नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक ट्वेल्व। जिमनी की जिस तरीके से हवा चली थी उस हिसाब से रोड प्रेजेंस है नहीं इस गाड़ी की, और ऊपर से इसका प्राइस स्लैब 15 लाख ले रहे हैं इस गाड़ी का। थोड़ा और खर्चा कर देते। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए जब भी आप जिमनी खरीदने जाएं। प्लीज इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। अब ग्लव बॉक्स को ही देखिए, प्लीज मोशन डैम्पर्स लगा देते, छोटी छोटी गाड़ियों में आने लगा है। आइए चलिए हुड ओपन करके देखते। हुड के इनर साइड पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ऐसा लग रहा है जैसे सिंगल कोट पेंट ही अप्लाई किया है। अरे डबल कोट कर देते तो कोई दिक्कत हो नहीं जाती, बहुत ही खर्चा बढ़ता है। और ये बम्पर पर हेडलैम्प वॉशर दे रखे हैं। इसकी यूटिलिटी विदाउट वाइपर 50% ही लग रही है मुझे, सिर्फ नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ाने के लिए इसको दिया गया। बोनेट बंद करने पर देखिए ऐसी आवाज आ रही है जैसे लग रहा है ट्रैक्टर का बोनेट। थोड़ा गैस्केट वगैरह लगा देते, कुछ भी लगा देते तो आवाज एटलीस्ट कम हो जाती है। बहुत तेज आवाज आती है बोनेट बंद करने। फॉग लैंप रिसेस दिए गए हैं, हनी कॉम लोअर ग्रिल के साथ बम्पर रगेड फील दे रहा है, अच्छी चीज है। रूफ एंटीना एसिमेट्रिक तरीके से माउंट किया गया है, जो कि एक नया प्लेसमेंट है। रूफ लगेज कैरियर आसानी से माउंट हो जाएगा। सेकेंड रो सीट की बात करें तो 3 लोग थोड़ा एडजस्ट करके बैठ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अगर 2 लोग बैठे तो ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा आपको इस गाड़ी में। हालांकि ये 2 सीटर ही है सेकेंड रो। रॉकर पैनल पर ये मोल्डिंग लगा रखी है, साइड स्कर्ट्स लगा रखे हैं, अच्छा फील दे रहे हैं, एस्थेटिकली अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस पर पैर रखना मना है, आपको वार्निंग साइन इस पर बना हुआ मिल जाए। अलॉय व्हील्स में 5 स्पोक से 10 स्पोक का जो ट्रांजिशन है अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रहा है। रियर डिफॉगर में एक्सपोज क्लिप दी है, फिर से कॉस्ट कटिंग। आपको आफ्टर मार्केट इसको कवर करने के लिए 3500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अंडर बॉडी पेंट में भी कॉस्ट सेविंग करी गई है, पूरा ध्यान रखा गया है कॉस्ट कटिंग का, कॉस्ट सेविंग का। टेलगेट अपर्चर पर आपको सीलेंट के ब्रश मार्क्स दिखेंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। स्टेपनी कवर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा, पूरा कवर होता तो और भी अच्छा होता। और टेलगेट जब आप ओपन करेंगे, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी, हाइड्रोलिक असिस्टेड टेलगेट ओपनिंग है इसमें। हैंडल आप थोड़ा सा पुल करेंगे, डोर अपने आप पीछे की ओर आ जाएगा, बच्चे भी आसानी से खोल सकते हैं। इस डोर को आप पूरा 90 डिग्री आसानी से खोल सकते हैं, बस थोड़ा सा लीवर पुल करना है, ये अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। We'll be right back.